press the bell icon and be part of our notification squad. आज हम बात करने वाले एशिया के सबसे बड़े रोड यूज टनल्स के बारे में, बट हम अपने नो इंडिया सेगमेंट में इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया में ही है और आज ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है हमारे प्रधानमंत्री के जरिए श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और बट इसमें क्या क्या है, ये कहाँ पर है, किससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है, इस सब के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। मैं हूँ अनूप, आप देख रहे हैं नायक सभी, चलिए पता करते हैं। Say that it feels right. जो एशिया का सबसे बड़ा जो रोड टनल बना है, ये हमारा इसका नाम है चेन्नई नशरी टनल। ये जम्मू एंड कश्मीर के NH-44 पे का के चेन्नई से लेकर नशरी तक बनाया गया है। और इसको बनाने वाले की कंपनी का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। ये इसका कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर है और ये 1200 मीटर के हाइट पे स्थित है। ये प्रोजेक्ट 2011 से शुरू हुआ था और ये खत्म होते हुए 2017 हो गया। इसका मतलब कुल मिला के 5.5 साल में प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ है। इस प्रोजेक्ट में एस्टिमेटेड वैल्यू पहले रखा गया था 2520 करोड़ रुपए का, बट अभी जब खत्म होते हुए इसका पूरा खर्चा हो गया 3720 करोड़। ये जो टनल है, इस टनल में दो टनल रखा गया है। एक है मेन टनल जो है 13 मीटर का डायमीटर का, दूसरा है 6 मीटर डायमीटर का है। वो एक्चुअली एस्केप पैसेज है जो बेसिकली यूज किया जाएगा कोई भी इमरजेंसी एस्केप सिचुएशन के लिए। ये कंप्लीटली कनेक्टेड है 29 पोजीशंस पे, जो जिसको कहा जाता है क्रॉस पैसेज। उसमें से 7 है व्हीकल्स के लिए और 22 है पेडेस्ट्रियंस के लिए। हर 600 मीटर के आपको मिलेगा लेऑफ पे, जहां पर गाड़ी ब्रेक डाउन के टाइम में आप रख सकते हैं, बट ये सिर्फ इमरजेंसी टाइम पे ही यूज किया जा सकता है और इसके लिए आपको कंट्रोल रूम से परमिशन चाहिए। इसका जो मेन टनल है ये दो भागों में डिवाइडेड है, जिसमें से एक है ट्रैफिक के लिए जो नीचे रहेगा, जो ऊपर रहेगा वो वेंटिलेशन के रहेगा। और वो जो ऊपर का भाग है वो डिवाइडेड बाय टू है, क्योंकि उसमें एक में फ्रेश एयर दिया जाएगा और दूसरे में एग्जॉस्ट किया जाएगा जो हवा अंदर रहेगा। इसको मेंटेन करने के लिए दोनों तरफ टनल में बड़े बड़े फैंस लगे हैं, जो अंदर हवा पुश करने के लिए और बाहर निकालने के लिए। और इस टनल के ट्रैफिक में हर 8-8 मीटर पे टैंपर रखा गया, जिससे फ्रेश एयर दिया जाएगा, और हर 100 मीटर में टैंपर रखा, जिससे फायर जो हवा है उसको एग्जॉस्ट किया जाएगा। इसमें एयर वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए 4-4 बनाना जेट फैन लगाया गया है नीचे, और ये कम्प्लीटली प्रेशराइज्ड टनल रहेगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से हवा एस्केप टनल को जाने के लिए नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वहां से कोई भी हवा या कोई भी गैस, कोई भी आग धुआं अंदर ना जाए, जिससे एस्केप टनल कम्प्लीटली सेफ हो। इसलिए हवा कम्प्लीटली एस्केप टनल से ही हमारे मेन टनल पे ही आएगा। मैंने पहले बताया था कि ये टनल NH-44 पे बनाएगा, जो कि NH-1A है। ये NH-1 काफी सारा दुर्गम स्थितियों में या बहुत ही घाटियों में देखे जाता था, जो कि जैसे था पटनीटॉप, खुर्द और एक था बटोते। ये सारे जगह पे काफी सारे लैंडस्लाइड और स्नो और एवलेंसेस होते रहते थे, जहाँ जिसकी वजह से विंटर सीजन में कम्प्लीटली जम्मू और श्रीनगर के बीच में कट ऑफ हो जाता, और इसी वजह से ये टनल बनाया गया है। इस टनल के बनने से श्रीनगर और जम्मू के बीच में डिस्टेंस के 30.11 किलोमीटर घट जाएगा और ट्रैवल टाइम में 2 घंटे की कटौती होगी। इससे बहुत ही फास्ट ट्रैवल हो सकता है, सामान बहुत जल्दी उस एरियाज में पहुंच सकते हैं, और ये ऑल वेदर टनल, जिसकी वजह से आपको किसी भी चैनल सीजन में या किसी भी वेदर कंडीशन पे ये बंद नहीं होगा और ये टनल खुला रहेगा और आराम से आवाजाही हो सकता है। ये इस बात के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इकोनॉमिकली बहुत बूस्टअप देगा ये टनल। इस टनल में काफी सारे हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ इसमें फैसिलिटीज रखे जाएंगे, जैसे कि है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एंट्रेंस डिटेक्ट कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम और इवैक्यूएशन ब्रोकर सिस्टम रखा जाएगा, टनल वेंटिलेशन सिस्टम और 124 कैमरा रखा जाएगा, जिसको पर्टिकुलरली सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए और सभी प्रकार के सारे चीज को मॉनिटर करने के लिए। जो मॉनिटर होगा आउट बाहर में, जहाँ पर इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल रूम होगा, और वो किसी भी प्रकार स्टेप लेने के हमेशा तैयार है। हर टोल प्लाजा के लिए यहाँ पर भी आपको एंट्री फीस देना पड़ेगा, जैसे कि आप कार में ट्रेवल करें तो आपको 55 रुपीज देना पड़ेगा, टू एंड फ्रो के लिए 85 रुपीज,
अगर कोई पिकअप और या मिनी बस जा रहा है तो यू हैव टू पे 90 रुपीज, अगर टू एंड फ्रो रखना चाहते हैं तो 135 रुपीज, अगर कोई ट्रक वगैरह जा रहा है तो यू हैव टू पे 190 रुपीज और टू एंड फ्रो के लिए 285 रुपीज। और इस पूरे टनल में सारे सेलुलर नेटवर्क लग चुके हैं, जैसे भारतीय एयरटेल हो या आपका BSNL हो या आईडियो हो, सब लगे हुए, दैट विल बी नो प्रॉब्लम विद द नेटवर्क। एस्टिमेट के हिसाब से इस टनल की वजह से 30 लाख रुपए पर डे बस सेव होगा। इस टनल के बनने के बाद जम्मू एंड श्रीनगर का काफी ट्रैफिक अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे आपको पहले ही बता चुका कि विंटर सीजन में जो कट ऑफ रहता है वो नहीं रहेगा, इट विल बी स्मूथ, सो ये हर समय ये ऑल वेदर टाइम ये कनेक्टेड रहेगा। इससे काफी बड़ा इकोनॉमिकल बूस्ट मिलेगा, उसके साथ डेवलपमेंट मिलेगा उस एरिया में, जो एरिया में हमारे जनरल फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाते थे। जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि विंटर सीजन में वो बहुत ज्यादा स्टक हो जाते थे, कहीं पर निकल नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, बट अभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह के कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रहा है और वो आगे चल के होने वाला है। ये एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है हमारे रोडवेज के इंडस्ट्रीज में, जिससे हमारे बहुत सारे दुर्गम जैसे नॉर्थ ईस्ट हो या हमारे जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड, यहाँ पे कई एरिया है जहाँ तक आज तक भी रोड ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाया या उस लेवल पे एक्सप्रेस हाईवे या NHS नहीं पहुंच पाया, जिसके वजह से कई दिक्कतें होती है उस एरिया के लिए, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और जो सारे स्ट्रेटेजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कि सारे बॉर्डर एरियाज है, वहां पर हमारे आदमी अपने सामान अपने राशन ठीक टाइम पे सही तरीके से जल्द वहां पहुंच नहीं पाता। सो इट विल बी ए ग्रेट ब्लेसिंग इन द डिसगाइज। देखते क्या होता है आगे। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप प्लीज कमेंट कीजिए, और आपको क्या लगता है कि इस टाइप के मेगा प्रोजेक्ट में आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट हो सकता है। अगर आपको देखना है कि इसी प्रकार के सारे वीडियो जिसमें आपको मिलेगा इंडिया के बारे में कई जानकारियां, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे सारे सोशल मीडिया नेटवर्क के रिलेटेड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आता है, तो वहां पर भी जाकर दे सकते हैं। टिल देन दिस इज अनूप साइनिंग ऑफ।